आपने बहुत बार सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों से कि नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने से आप अनगिनत बीमारियों से बच सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि नाभि में तेल लगाने कितने फायदे हैं और ये किन किन बीमारियों को ठीक करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अभी हाल ही में मेरा बेटा है 7 साल का ईशान तोमर, उसने अभी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। वो क्या करेगा कि उसमें जो टॉयल आता है वो मार्केट से, उन्हें खाली रिव्यू बताता है, अनबॉक्सिंग करता है। तो मैं चाहता हूँ जितना सपोर्ट आपने मुझे दिया है उतना ही सपोर्ट आप ईशांत को दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है नाभि में तेल लगाने का कि जो ये जो खुश्की है, ड्राइनेस है, वो खत्म करती है और स्पेशली सिर की। अभी सर्दी का मौसम है और अभी मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम आती है कि सिर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यदि आपको डैंड्रफ की शिकायत है और आप इसके लिए बहुत से तेल शैम्पू लगाकर थक चुके हैं या आपके बाल झड़ते हैं, देखिए डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉलिंग होती है, डैंड्रफ की वजह से वाइट बाल होते हैं और दो मुहे बाल होते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो पेशेंट आते हैं कि सर बहुत शैम्पू इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन डैंड्रफ का कोई रिजल्ट मतलब ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आप कंटिन्यू 15 दिन 20 दिन यदि आप अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाओगे, और तेल कैसे लगाना है, बिल्कुल जो ये फिंगर है ये तेल में डुबोनी है और नाभि में लगा देनी है और लगाकर आपको छोड़ देना है। रात को सो जाना है, उसको आपको धोना नहीं है, सुबह मॉर्निंग में नहाते समय ही आपको सफाई करनी है। तो कहने का मतलब है सिर की खुश्की के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है दिमागी कमजोरी। जो इंसान दिमाग का ज़्यादा काम करता है, जैसे बिजनेसमैन है या कह सकते हैं कि मेंटली वर्क ज़्यादा करता है, या जिसको लंबे समय से सिर में दर्द है या चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा रहता है, माइग्रेन है, बहुत सी महिलाओं बहनों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, कहती 20-20 साल हो गए माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, तो उसमें सरसों का तेल नाभि में लगाने से माइग्रेन, मैंने कुछ देखा है जब मैं पेशेंट को बताता हूँ, हम ऑनलाइन बताते हैं या हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं, जब हम बताते हैं कि आप नाभि का तेल भी लगाइए तो हम इतना अच्छा रिजल्ट आता है, 1 हफ्ते में 10 दिन में उनका जो माइग्रेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसको चलते समय चक्कर आते हैं या बैठे रहते हैं एकदम उठते हैं उनको चक्कर आते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट है आंखों की रोशनी के लिए। यदि किसी को आंखों में ड्राइनेस है या आंखों में चश्मा लग गया है या आंखें ड्राई ड्राई रहती हैं या आंखों में पानी आता है या आंखों में खुश्की है या आंखों में खुजली है, तो वहां पर भी सरसों का तेल नाभि में लगाने के बहुत फायदे हैं। देखिए मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि यदि तेल लगाओगे तो इससे क्या होता है कि पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होती है। जहां पर ब्लड जाना चाहिए, जहां पर चिकनाई जानी चाहिए, जहां चिकनाई नहीं जाती बॉडी में किसी भी अंग में, वहां पर ही ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पर अम्बिलिकल है, नाभि है, यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी नसों का एक गुच्छा होता है और जो इसका कनेक्ट होती है पूरी बॉडी से, यदि आप यहाँ पर तेल लगाओगे तो इसका असर उसी अंग पर जाएगा जहां पर ड्राइनेस है। ये भी कुदरत का करिश्मा है, भगवान का कह सकते हैं बहुत बड़े देन है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अपना एक पेशेंट है मेरे पास, उसको गैंग्रीन की शिकायत हो गई। गैंग्रीन मतलब जहां पर गैंग्रीन होता है वहां पर ही जो अंग है वो नीला पड़ना चालू जाता है और वो अंग काटना पड़ता है। मैंने सिर्फ उस पेशेंट को यही कहा है कि आप जो अपनी मेडिसिन ले रहे हो आप वो लेते रहे, उसी के साथ आप नाभि में सरसों का तेल लगाना स्टार्ट कीजिए। तो मैं देखता हूँ महीने में, 1.5 महीने में आज वो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक है नाभि में तेल लगाने से। ये मैंने खुद कह सकता हूँ, पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो देखा होगे होठ फट जाते हैं, चाहे हमारे हो या आपके हो। अभी बहुत लोगों के होठ फटते और वे जो लिप्स बाम होती है वे लगाते हैं, उससे सबसे बेटर है आप रात को नाभि में तेल लगाना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए आप किसी बाम की कमी नहीं लगेगी, या आप कोई बाम मार्केट में आजकल बहुत महंगे महंगे बाम आते हैं, सिर्फ ये कि आपके होठ ना फटे। लेकिन थोड़ा सा सरसों का तेल यदि आप नाभि में लगाओगे आपको कोई
और यहाँ होठों पर नहीं पूरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बॉडी लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई बाम कोई बॉडी लोशन या आजकल बहुत मार्केट में आ रहे, कोई जरूरत नहीं खाली। और एक और बात है, यदि आप कुछ मान के चलिए आपको कोई बीमारी नहीं है, तब भी आप इसको हेल्दी में भी इसको आप लगाइए, देखिए आप आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आपको चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी किसी प्रकार की सेक्स कमजोरी है, ये वहां पर भी काम करती है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन एक लाइन में सिर्फ यही कहूंगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो कोई भी सेक्स कमजोरी हो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मेन फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन यही है कि ये बॉडी की ड्रेनेज खत्म करती है, और जहां पर चिकनाई जानी चाहिए बॉडी में नाभि के द्वारा वहां पर चिकनाई पहुंच जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।